छत्तीसगढ़ के नए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल आज बलरामपुर जिले के प्रथम प्रवास पर थे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राजपुर पहुंचने के बाद जिला संघर्ष समिति ने नारायण चंदेल से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपकर जिला बनाए जाने की मांग की है और इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की भी मांग की है। बलरामपुर जिले में राजपुर, शंकरगढ़, कुसमी और सामरी को मिलाकर अलग अलग जिले बनाए जाने को लेकर के पिछले 2.5 सालों से लोग मांग कर रहे हैं और कांग्रेस के पूर्व नेता स्वर्गीय नंद कुमार पटेल द्वारा दिए गए बयान को पूरा करने की मांग कर रहे थे। और इसी कड़ी में आज जब भाजपा के नए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल बलरामपुर जिले के राजपुर पहुंचे तो यहाँ जिला संघर्ष समिति के सैकड़ों कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने उनसे मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए नारायण चंदेल ने कहा है कि चुनावी वर्ष में उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश करेंगे। वहीं पर जिला संघर्ष समिति द्वारा सौंपे गए आवेदन और उसे भाजपा के घोषणा पत्र में शामिल करने की बात पर उन्होंने कहा कि वे भाजपा के उच्च स्तरीय कमेटी को सौंपेंगे इसे और अगर जरूरत पड़ी तो उसे शामिल भी किया जाएगा। पार्टी हाईकमान ने नेता प्रतिपक्ष का बड़ी जिम्मेदारी हम सब लोगों को सौंपी है और चुनावी वर्ष में सौंपा है। जिस उम्मीद के साथ में, जिस भरोसे के साथ में पार्टी हाईकमान ने हम सब लोगों को दायित्व सौंपा है, हम विश्वास दिलाते हैं कि सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से और सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन हम सब लोग प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ में जमकर लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस की सरकार की असफलता, विफलता और उसके जन विरोधी काम को जन जन तक ले जाएंगे और आने वाले 2023 के चुनाव में निश्चित रूप से बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनाएंगे। देखिए, अभी तो कोई घोषणा पत्र बना नहीं है, अभी तो घोषणा पत्र में टाइम है। घोषणा पत्र तो चुनाव के कुछ समय पहले जारी होता है। पार्टी के जो हमारा उच्च स्तरीय फोरम है उसमें हम बातचीत करेंगे। देखिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके हित का ध्यान रख करके हमारे वरिष्ठ नेताओं के परामर्श से, जनता के सुझाव से पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र बनाएगी, लेकिन अभी वो बहुत दूर है। राकेश जाटव की रिपोर्ट।